हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेटोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग पाँच सौ बेस्ट एम का क्लास नंबर थ्री डिस्कस करेंगे इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा ये क्लास आप सभी को लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टेट दोनों में हेल्प करेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी से शुरू करेंगे तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है स्टेनली हॉल को तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्परसाइज ऑन लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है किसके ऊपर एम्परसाइज करता है कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस के ऊपर एम्परसाइज करता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ यूजफुल लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए लीडर द टीचर मस्ट ट्राई टू एज ए लीडर टीचर को क्या करना चाहिए एक डायनेमिक रूप में काम करना चाहिए पावर और सुप्रीमेसी नहीं रखना चाहिए और भी नहीं रखना चाहिए डिक्टेटरशिप भी नहीं रखना चाहिए इसीलिए बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हुए न प्रॉब्लम हैज़ मोर देन वन प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड थिंकिंग प्रोसेस व्हिच क्रिएट दोज प्रॉब्ल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इस टाइप का थिंकिंग uh, को क्या कहा जाता है इस टाइप का थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को कहा जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्प्ट ऑफ री एन्फोर्समेंट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट री एनफोर्समेंट जो है किसका थ्योरी के अंदर दिया गया है ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर दिया गया है और इसका एज जो है मेन एलिमेंट है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुईज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम कौन सा फैक्टर जो है मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करता है इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट नहीं करता है इंक्रीज रिवार्ड यह भी नहीं करता है फॉलोइंग ओनली लेक्चर मोड यह भी नहीं करता है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है सोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबिंग एंड लर्निंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये जो है फैक्टर सपोर्ट करता है क्लासरूम में लर्निंग के लिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ इक्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट का और इक्वेशन का सबसे अच्छा पीरियड कौन सा होता है अर्ली चाइल्डहुड होता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशन एंड कॉग्निशन आर डेस इच अदर जो ये जो है इमोशन और कॉग्नेशन दोनों इंटर रिलेटेड होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटर ओवन विथ ईच अदर तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ नेगेटिव एजुकेशन वाज एडवोकेट बाय नेगेटिव एजुकेशन का थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था उनका नाम है रोशिव तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुच थ्योरी ऑफ प्ले वॉज पुट फॉरवर्ड बाय स्टेनली हॉल तो कौन सा थ्योरी जो है स्टेनली हॉल के द्वारा प्ले का थ्योरी जो है इनके द्वारा दिया गया था उस थ्योरी का नाम है रिकेब्लेशन थ्योरी इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन सी डब्ल्यू एसन इसमें से कौन सा जो है सी डब्लू एसन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के अंदर नहीं आता है मेंटली डिटर्डेड आता है विजुअली इम्पेयर भी आता है हेयरिंग इम्पेयर्ड भी आता है गिफ्टेड नहीं आता है सोशली डिसएडवांटेज ये भी आता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वन टू थ्री और फाइव इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन सी में दिया है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पीड ए स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया था उनका नाम है महात्मा गांधी तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोफाउंडेड इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन किसके द्वारा दिया गया था उनका नाम है सर पेरसी तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हारपेटियन स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग हारपेटियन के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर लेसन प्लानिंग का क्या है प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एसोसिएशन जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन ए जो है करेक्ट ऑर्डर है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुइच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिपिक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिव्स मोटिव का कैरेक्टर कौन सा ऑप्शन जो है डिपिक्ट नहीं करता है मोटिव्स आर इनबॉर्न मोटिव्स इनबॉर्न नहीं होता है ये एक्वायर भी किया जा सकता है तो ऑप्शन ए यहाँ गलत लग रहा है बाकी देखते हैं मोटिव्स आर सिलेक्टर ऑफ बिहेवियर ये सही है मोटिव्स एनर्जाइज बिहेवियर ये भी सही है मोटिव्स डायरेक्ट बिहेवियर ये भी सही है तो यहाँ पे गलत बता रहा था गलत कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है, है? एपिस्टेमोलॉजी तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इज एक्सेप्शनल व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली एक स्टूडेंट को एक्सेप्शन कब कहा जाएगा जब उसका परफॉर्मेंस बाकीयों से अलग होगा एबव एंड बिलो द एवरेज स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने हो एस्टाब्लिश द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी उनका नाम है विलियम हुंड तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन ने द स्टिमुलस डेट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस ए रिफ्लेक्स इज एज ऐसा स्टिमुलस जो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स को प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहा जाता है कॉन्डिशन स्टिमुलस तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू